नमस्कार नवतेश टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव देवी यादवी सर्वभूतेषु शक्तिपेण संस्थितता नमस्त्यय से, नमस्त सेय नमस्त्यय से, नमो नमः यथार्थ हर एक प्राणी के अंदर नारी शक्ति विराजमान है वो दया विराजमान है और उसको शत शत नमन आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास अवसर पर आज हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे जो महिला होकर भी आज कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य बताए जाते हैं सबसे पहला उद्देश्य आपको बता दें सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जिस तरीके से एक पर एक ऊंचाइयां महिलाएं छू रही हैं वो वाकई काबिल तारीफ है जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ आज महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं की नारी शक्ति हर जगह देखने को मिलती है आज तमाम महिलाओं से आपका परिचय कराएंगे हमारे साथ मिस और मिसेस इंडिया ग्लैम के कुछ विनर्स यहां पर मौजूद हैं और उनके ही जुबानी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में आखिरकार कामयाबी हासिल की उससे पहले आपको बता दें महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन्नीस में इसकी शुरुआत हुई थी और एक के बाद एक यानी कि अब की स्थिति अगर आप हमारे देश की देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि महिलाएं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर वो पीछे हैं कहते हैं कि नारी है तू लड़ सकती है लड़की है तू लड़ सकती है और यही स्थिति आज हम देखते भी हैं लड़की है लड़ती है और हर वो कामयाबी हासिल करती है तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे स्टूडियो में तमाम ऐसी महिलाएं मौजूद हैं ग्लैमर्स दुनिया की वो ऐसी पहचान मौजूद है जो अपने आप में काबिले तारीफ है शुरुआत करेंगे सबसे पहले जानेंगे इनके परिचय के बारे में और जानेंगे कि कहाँ से वो आती हैं सबसे पहले आप शुरुआत करें हेलो एवरीवन I am Payal Dharani, second runner-up of Miss India Glam. I hail from Agra and currently living in Jaipur. Uh, I belong from a very conservative community where women's role are restricted to household. I want to inspire many girls, not just my community but all girls around. That's why I am here in front of you, following my passion proudly, and it's a really great platform, which is I am. Uh, that's it about me. Thank you. Uh, please, mic pass. Hello everyone. My name is Akanksha Shekawat, and first of all, Happy Women's Day to all the women. And I'm the third runner-up of Ope Miss and Mrs India Glam Season 2024. And yeah, that's it. Hello everyone. My name is Kwahish Saini, and I am from Jaipur. My title is Miss India Glam International Winner. Thank you. Hello everyone. My name is Somya Gupta, and I'm the Miss India Glam. विना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई एम बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन जयपुर सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग वुमेन आउट देयर सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आई एम प्रीति सचदेवा हेलिंग फ्रॉम ब्यूटिफुल पिंक सिटी जयपुर आई एम मिसिस इंडिया ग्लैम राजस्थान ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन माय नेम इज़ ऐश्वर्या आजाद एंड आई एम फ्रॉम बीकानेर आई एम फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस इंडिया ग्लैम 2024 थैंक यू हेलो मेरा नाम है शुष्मिता पुरी और मैं बीकानेर से हूँ मैं मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान विनर हूँ थैंक यू हेलो एवरीवन हैप्पी वीमेंस डे आई एम पूनम गिद्वानी मिसिस इंडिया ग्लैम विनर ट्वेंटी बेसिकली आई एम फ्राम हनुमानगढ़ आई एम वर्किंग एज स्कूल लैक्चर इन राजस्थान गवर्नमेंट एंड आई एम मेरिड इन जयपुर एंड अ प्राउड मदर ऑफ़ फाइव ईयरस ओल्ड सन आई बिलीव द डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटिफुल जर्नीज ऑल वी नीड सम करेज एंड कमिटमेंट टू ब्रेक द बाउंड्रीज बिकॉज सारी के सारी जो वीमेन है इवन एवरी ह्यूमन बींग वी ऑल आर यूनिक एंड गिफ्टिड ऑल वी नीड टू डिस्कवर डेवलप एंड डिलीवर थैंक यू Hello everyone. I am Ankita Rathore, Miss India Glam. Oh sorry. So sorry, It's okay. Hello guys. Uh, first of all, happy women's day and uh, I'm Ankita Rathore. I am Miss India Glam, third runner of twenty twenty three. Thank you. तो सुना अपने इन तमाम महिलाओं को आप कह सकते हैं कि अब बारी है तेरे उड़ान की बेटी है तू हिंदुस्तान की आप देख सकते हैं हमारे देश में कई क्षेत्र में महिलाएं हर

नारी के जीवन में जो बाधाएं आती हैं शायद ही उसे पार कर पाना आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है सबसे पहले तो आपने इनका इंट्रोडक्शन सुना अब हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और आगे क्या सपना रहा है और क्या यहां तक आने तक किस तरीके से इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप बताए पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत की किस तरीके से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि ऑब्स्टेकल्स हर जगह आते हैं तो किस तरीके से आपने उसको फ़ेस किया आ, मैं सीरियसली बताऊँ मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था okay. आ, ये ड्रीम मेरे पापा का था कि वो मॉडल बने लेकिन वो अपनी लाइफ में नहीं बन पाए तो उन्होंने मेरे को मुझे नहीं पता था उन्होंने मेरा सडन रजिस्ट्रेशन करवा दिया मुझे नहीं पता था और उसके बाद में मैं अगले दिन ऑडिशन के लिए गई वहाँ पर मैं सबसे नर्वस थी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी uh, मेरे को वहाँ पर पवन सर मैंने सिर्फ़ पवन सर को देखा पवन सर ने मेरे पास आके बोला क्या हुआ क्या बात हो गई तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो तो मैंने बस इतना बोला सर ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ तो सर ने मेरे को बोला कोई बात नहीं कुछ नहीं करना आप बस अपने एक्सप्रेशन सही रखो क्योंकि फ़र्स्ट एक्सप्रेशन मतलब एकदम मैं बिल्कुल मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी और यहाँ इस अपॉर्चुन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आज मैं मिस इंडिया ग्लैम की विनर भी रह चुकी हूँ और बस एक मेंबर हूँ तो थैंक यू सो मच पवन सर ठीक है uh, मैं हनुमानगढ़ से हूँ एंड आई एम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली जहाँ एक्सपेक्टेड होता है जस्ट कंप्लीट योर बेसिक एजुकेशन गेट मैरिड रेज योर चिल्ड्रन दैट्स इट बट uh, मुझे कुछ और चाहिए था सिर्फ मेरे लिए नहीं टू ब्रेक द बाउंड्रीज़ एंड टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स तो इसलिए सबसे पहले मैंने मेरी फैमिली uh, का सपना पूरा किया मैं गवर्नमेंट जॉब में आई स्कूल लेक्चरर मैंने ज्वाइन करा उसके बाद uh, शादी के बाद हैविंग अ बेबी आई वॉज़ लाइक नहीं मैं मेरे सपने को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी उसके बाद मैंने कोशिश की और ये जो क्राउन है इसने मेरी डिस्कवरी मेरी ग्रोथ को और नए डायमेंशन दिए हैं थैंक यू सो मच इंडिया ग्लैम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि आप मैरिड होकर भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा आपने और उसे पूरा किया क्योंकि अगर ये जानना चाहेंगे आपने ये बताया कि पहले मैंने अपने फैमिली के सपने को पूरा किया पहले गवर्नमेंट जॉब हासिल की उसके बाद अपने सपने को आपने पूरा करने की कोशिश की यानी जाहिर सी बात है ऐसे ये कहा जा सकता है कि क्या मॉडल बनना आपके परिवार को पसंद नहीं था uh... शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी शुरुआत सिर्फ ये थी कि पहले मैंने एक स्टेट लेवल का ब्यूटी पेजेंट किया था और शुरुआत इस तरह से हुई मैं मेरे लॉस लॉज़ को और फैमिली को बहुत बड़ा थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे अलाउ किया किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे और मेरी फ़ैमिली को एक टाइटल चाहिए था एक क्राउन चाहिए था उसके बाद कब धीरे धीरे मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी मुझे पता ही नहीं चला बट दे आर वेरी सपोर्टिव थैंक्स टू माई हस्बैं एंड माई लॉस एंड माई पेरेंट्स एंड uh, जिनके कारण मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ आज यहाँ हूँ और ये क्राउन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड स्पेशली इंडिया ग्लैम थैंक यू थैंक यू प्लीज़ पास टू हर नमस्ते सभी को मेरा नाम है सुष्मिता पुरी मैं बीकानेर से हूँ और मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं मॉडलिंग करूँ और मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मॉडलिंग में तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई और मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे तो मैंने पवन सर को बोला कि सर मेरे को मॉडलिंग के अंदर आना है तो मैंने रजिस्ट्रेशन ओपनिंग थी उधर तो हमने फॉर्म फिल करवाया फिर पापा सपोर्ट कर रहे थे तो पापा ने बोला चले जाओ मॉडलिंग के अंदर तो फिर यहाँ पे फिर मेरे को मिस इंडिया क्लेम राजस्थान तो यहाँ तक आने में किसी तरीके की दिक्कतें आपको नहीं हुई या फिर आप आसानी से पहुँच गई यहाँ तक नहीं दिक्कतें हुई थी कुछ फैमिली वाले नहीं माने थे कुछ फैमिली वाले माने थे तो मेरा ड्रीम था तो पापा मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया फिर पवन सर से बात की तो पवन सर ने बोला हाँ आपकी बेटी में कुछ हुनर है तो आप इनको आगे लेके आओ तो अब आप आगे का सफ़र अपना कैसे देखती हैं मैं बहुत अच्छा देखती हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप मॉडल के अंदर आ सकती हूँ वो भी पवन सर के वजह से ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर प्लीज पास थैंक यू हाय मैं बीकानेर से हूँ और uh, मेरी मम्मा को मॉडलिंग का बहुत शौक़ था तो इसलिए उन उनको उनको मुझे एक मॉडल बनाना था इसलिए फिर आफ्टर माय ग्रेजुएशन उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे ट्राई कर ले अच्छा है तो यहाँ पर आई मैं यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट एनर बन गई मैं सो एज़ फार एज़ माई जर्नी इज़ कंसिडर्ड आई वुड से It's a fight that I had to fight with myself because my son was going away for his studies. So I thought, what do I do? What would my life be? Then I thought, why not I become an ageless diva with multiple dreams? So one day I was just going through a few things. It just came in front of me that there are some registrations happening, and I just you know uh, applied for it, and it happened. सो प्रॉब्लम्स एज सच मैं ये कहना चाहूँगी कि ये खुद से खुद की फाइट होती है बिकॉज आप एक जोन में रहते हो वेर यू हैव बीन होम मेकर वेर यू हैव बीन अ फ्रीलांस प्रोफेशनल बट वैन यू कम आउट ऑफ दोज बाउंड्रीज इट्स अ फाइट अगेंस्ट योर ओन बाउंड्रीज सो दैट फाइट वॉज अमेजिंग एंड आई वुड से दैट दैट फाइट वॉज वर्थ इट In terms of dressing up, in terms of uh, meeting with people, in terms of facing the camera, in terms of fitness, food, skin. It's, it's a beautiful journey. So it's a fight against yourself. So, guys, look into yourself and always come out with a bang. That's what I would say. Happy Women's Day. Absolutely. Namaskar, everyone. My name is Gupta. Hai. मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और जहाँ भी मुझे जाना चाहा, उसके लिए मुझे गाइड किया कि आप जाओ अपने सपनों को पूरा करो और हमारा नाम रोशन करो बस उसी को लेके मैं अपने सपनों को पूरा करने की जर्नी पर निकली हुई हूँ थैंक यू हेलो एवरीवन मेरा नाम ख्वाहिश है बात करें मेरी जर्नी की आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली मेरी जॉइंट फैमिली है जिन मेरी फैमिली में बिल्कुल मॉडलिंग वगैरह सब अलाउ नहीं है और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं ट्वेंटी ईयर्स की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी स्टार्टिंग से पापा का सपना रहा है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। फिर मेरे स्टार्टिंग से पैशन है कि मैं मॉडलिंग करूं, आगे जाऊं, मिस इंडिया बनूं। पापा की डेथ के बाद बहुत बहुत मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझ पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई बहुत हार्ड होता है कि आपको पूरी फैमिली भी देखनी है पढ़ाई भी करनी है अपना पैशन भी फॉलो करना है तो ये बहुत सबसे बड़ी चैलेंज था मेरी लाइफ का सो फॉर योर जर्नी आपको किसने सपोर्ट किया सबसे ममा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरी फैमिली से उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की मेरे को आगे भेजा प्लीज हेलो एवरीवन मेरा नाम आकांक्षा शेखावत है और मैं शाहपुरा के एक छोटे से गांव निठारा से हूँ और अभी कुछ टाइम पहले ही मैं जयपुर में शिफ्ट हुई हूँ तो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक सुपर मॉडल बनूँ मॉडलिंग करना था बट गांव से थी कोई बैक सपोर्ट नहीं था फैमिली का सपोर्ट था बट ऐसे लगता था ना कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एक मॉडल बनने के लिए बट मैं जैसे ही जयपुर शिफ्ट हुई क्योंकि मेरे यहाँ जॉब लगी थी तो सडनली मेरी पवन सर से मुलाकात हुई बट उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंडिया ग्लैम का हिस्सा बनूँ ऑडिशंस चल रहे थे उस टाइम सर ने बोला कि तुम ट्राई करो तुम कर सकती हो तुम्हारे अंदर है टैलेंट तो तुम अपना टैलेंट यहाँ पे शो करो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और स्पेशली मेरी मासी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जिस टाइम ये सब कुछ चल रहा था उसी दौरान मेरे मोसाजी उनकी डैथ हो गई थी तो एक बार के लिए मैंने गिव अप कर दिया था कि मुझे नहीं करनी मॉडलिंग बट मेरी मासी ने बोला कि नहीं तुझे करना है तेरा ड्रीम है तो तू करेगी सब लोग सपोर्ट करेंगे मम्मा पापा को भी उन्होंने कन्विंस किया और उसके बाद मम्मा पापा ने अभी तक मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे ठीक है तो गांव से आप हैं आपने बताया क्या इतना आसान हुआ आपके लिए गांव से निकल कर यहाँ आना क्योंकि बहुत मुश्किल होती है आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे ग्लैमर की दुनिया में जाना है मुझे मॉडल बनना है नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं मॉडल बन जाऊंगी यहाँ से निकल के बिल्कुल भी नहीं सोचा सोचा था कि यहाँ से गांव से निकलने के दो तीन महीने बाद ही मेरे सर पे क्राउन होगा hmm. ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था बट होता है ना अचानक से डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है तो थैंक यू नमस्ते आप सभी को मेरा नाम पायल धरानी है एंड मैं एक्चुअली आगरा से बिलोंग करती हूँ अभी मैं जयपुर में रह रही हूँ मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिलती आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव कम्युनिटी मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं मेरे ब्रदर भी हैं बट नो वन मतलब लाइक मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल भी नहीं हैं मेरे रिलेटिव्स ने मेरे फादर को भी बोला लड़की को इतनी छूट मत दो ये आगे नहीं निकलेगी एंड ऑल बट मेरे को आगे निकलना था मेरे को और लड़कियों को इंस्पायर करना था जो कि इस फेस से गुजर रही हैं And that's why I'm in front of you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तो कह सकते हैं कि नारी ही शक्ति है नर की नारी ही शोभा है हर घर की कभी बेटी कभी माँ तो कभी बहू बनकर हर सुख दुख को सहेज कर सारे दुख भुलाती है और इसी वजह से नारी कहलाती है जैसा कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और तमाम महिलाओं के बारे में आज हम जान हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिला ही है उनसे ही जननी है उनसे ही आधार है हर एक क्षेत्र में आज आर... बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं महिलाओं में किस तरीके से बदलाव हुआ है, है। आरक्षण जो है उन्हें उसमें दिया जाएगा तैतीस जो उनकी भागीदारी रहेगी वो भी देखने को मिलेगी आज हम ये भी जानेंगे इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो बदलाव देखती है महिलाओं के जीवन में पहले की स्थिति क्या थी चूंकि अब भी देखा जाए अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर महिलाएं घर पर ही रहती हैं उनके सपने बड़े बड़े हैं लेकिन वो चाह भी बाहर नहीं निकल पाती है और क्या अभी फिलहाल की स्थिति को लेकर इनकी राय जानेंगे आप सबसे पहले बताएं कि किस तरीके से आप स्थिति देखती हैं फिलहाल के वुमेन को लेकर चूंकि पहले की स्थिति हमने देखी कि किस तरीके से लोग नैरो माइंडेड रहते थे बाहर नहीं जाने दिया जाता था कहा जाता था कि महिला सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित है लेकिन आज हर एक क्षेत्र में है आज की जनरेशन में वुमेंस मैन से भी आगे हैं आज की जनरेशन में वूमेन्स अपने आप को इतना डेवलप कर रही हैं कि हर क्षेत्र में वो आप देख सकते हैं वुमेन्स आपको हर जगह दिखेगी लाइक गवर्नमेंट भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है बट अभी भी गर्ल्स सेफ नहीं है यहाँ पे अभी भी आपको केसेस बहुत मिल रहे होंगे लाइक like, अभी भी uh, मतलब लोगों को डर है कि uh, लड़कियों को इतनी छूट नहीं दे रहे इतने फ्रीडम नहीं दे रहे कि वो अभी घर से बाहर जाए एंड आगे बढ़े बट बहुत सी लड़कियां हैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनकर बहुत आगे जा रही हैं ठीक है आप ये बताइए चूंकि इन्होंने भी यही कहा कि महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं ये खुलकर बाहर नहीं जा सकती है किस तरीके के बदलाव देखती हैं आप पहले घर से निकलने से पहले महिलाएं दस बार सोचती थी आज भी हम अगर बाहर निकले तो देख लेते हैं क्लब में भी रात के दस से ग्यारह बजे लड़कियां रहती हैं यानी कि जाहिर सी बात है अब ज्यादा महसूस करती है सुरक्षित खुद को अब क्योंकि सरकार ने भी सेफ्टी की काफी काफ़ी कुछ जगह जगह पुलिस बहुत कुछ अभी सेफ्टी का सरकार गवर्नमेंट भी ध्यान रख रही है बट हाँ ये चीज़ तो है कि सेफ्टी अभी गर्ल्स की नहीं है इतनी बट पहले के टाइम को और अब के टाइम में देखे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है फैमिली वाले भी सपोर्ट करते बट गाँव में इतना ईजी नहीं है गाँव से बाहर निकल के ग्लैमर वाली इंडस्ट्री में जाना बहुत मुश्किल है बट अभी के टाइम में मेरा जैसे मेरे को पता है कि मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बट पहले कुछ और था अभी बहुत कुछ चेंज हो गया लेकिन फिर भी अगर एक कहेंगे आप सेंटेंस बताइए हमारे दर्शक में कुछ महिलाएं भी हैं अगर उन्हें आप कहना चाहेंगी अगर वो भी वहाँ से हैं जो उनके अगर पेरेंट्स वहाँ पर हैं तो अगर उनका जो सपना है वो पूरा करने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एक मोटिवेशन के तौर पर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को अगर आप पे ट्रस्ट है पेरेंट्स आपके बिल्कुल सपोर्ट करेंगे क्यों नहीं करेंगे बट ये है कि गाँव के अंदर इजी नहीं होता मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो कौन क्या बोल रहा है लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना क्योंकि हाँ। आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हर मुकाम अच, अचीव कर सकते हो ठीक है आप ये बताइए कि अभी आप देख रहे हैं कि वायुसेना से लेकर जल थल हर जगह फीमेल्स कहीं ना कहीं नज़र आती हैं पहले ऐसी स्थिति नहीं थी पहले की औरतों को इतना आगे तक नहीं पहुंचाया जाता था और गवर्नमेंट ने भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी थी जितनी अब दी है पहले बहुत सी जगह ऐसी थी जहां लेडीज़ को अलाउ नहीं था पर अब आर्मी में हर जगह लेडीज़ आगे है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली सब आगे जाएंगे ठीक है आप बताइए कि अभी की स्थिति को देख क्या कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बार बार शब्द कहे जाते हैं वो वैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है आज के ज़माने हाँ। में क्या एक बड़ा बदलाव ये है कि वुमेन आर एजुकेटेड पहले इतना पढ़ाई को लेकर आगे नहीं बढ़ते थे अब वूमेन अपने हर हर स्पेयर्स ऑफ लाइफ में आगे बढ़ रही हैं अपने आप को एजुकेट कर रही हैं इंडिपेंडेंट बना रही हैं और सारी जगहों पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिलेगा ठीक है राजस्थान की अगर बात कर ले आप लोग राजस्थान से ही आते हैं गुलाबी नगरी फ़िलहाल ये है कि महिला दिवस के खास अवसर पर जो राजस्थान सरकार है रोडवेज बसों को सारी टिकट फ्री कर दिए हैं क्या देखती हैं किस तरीके से देखती है बहुत बड़ी खुशखबरी है या फिर पहले भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी नहीं आई थिंक uh, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये चेंज तो एक बहुत ही खूबसूरत चेंज है विच गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग उससे भी अच्छी और सुंदर बात मुझे ये लगी अभी रिसेंटली आई uh, थिंक वो एक बिल पास हो रहा है जहाँ पर कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको हम ऐसे समझते थे ये क्या करती हैं ये घर में ही तो हैं इवन hmm. उस प्लेटफॉर्म uh, पर भी एक वुमन का वर्क रिकोगनाइजबल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है इसकी मुझे बहुत ही खुशी है बिकॉज हमारी मदर्स इन स्पाइट ऑफ बींग एजुकेटेड देवर होम यू नो देवर होम बाउंड देवर होम मेकर्स तो ऐसा लगता था इन्होंने जिंदगी में क्या किया अब ये जो एक अवेयरनेस आ रही है कि ये जो घर में बैठी लेडीज हैं ये भी हमारी बैकबोन है हाँ। हम तैयार होके निकल जाते हैं कैसे निकल जाते हैं हाउस वाइफ है, ये गलत नहीं है ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है सो आई एम लाइक बिग लाइकअप फॉर दिस सो वी आर गोइंग अहेड आप बताइए फिलहाल की स्थिति वो को देखकर क्या लगता है कि पहले क्या कुछ था और अब क्या बदलाव है और नए बदलाव क्या हो सकते हैं पहले तो मतलब बाहर भी नहीं निकलते थे लड़कियां बहुत डरती थीं बाहर निकलने से अभी तो फिर भी घर वाले वगैरह सब सपोर्ट करते हैं और लड़कियों को ख़ुद को भी सेल्फ डिफेंस की तरफ जाना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े डरे ना किसी से हाँ ठीक है आप बताइए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा फिलहाल स्थिति ऐसा लगता है कि हर एक परिस्थिति से लड़की लड़ सकती है हाँ और किस तरीके के बदलाव देखती हैं और क्या लगता है कि क्या कुछ नए बदलाव होने चाहिए और महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए पहले देखे जा मतलब पहले देखते हैं अपने जी. तो उधर तो सब महिला महिलाएं काम करती थी घर पर अब काम के साथ साथ अपना ड्रीम भी पूरा कर रही है मैं बहुत अच्छा मानती हूँ उनको और जिनका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा प्लीज़ जिनको इंटरेस्ट है मॉडलिंग के अंदर वहाँ हम सब सपोर्ट करेंगे उनको प्लीज़ इंडिया ग्लैम के अंदर आओ हम सारे सपोर्ट करेंगे थैंक यू बींग मैरिड बहुत टफ होता है आसान नहीं होता है चूंकि आपने जैसा बताया कि आपके पार्टनर आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया लेकिन क्या लगता है और भी ऐसी महिलाएं हैं जो शादीशुदा होकर भी आज आगे नहीं बढ़ पाती हैं वो उम्मीद तो करती हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाती हैं आप उनको कैसे देखती देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनमें बहुत सारे टैलेंट हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें लेकिन सच्चाई कुछ और है सच्चाई यहाँ से बदलनी है जो पता नहीं कब बदलेगी क्योंकि जो यहाँ से बदलने वाली सच्चाई है वो ये है कि आज हम उम्मीद करते हैं बातें करते हैं बड़ी बड़ी इक्वालिटी की बराबरी की कि महिला और पुरुष बराबर लेकिन रियलिटी जो है अगर एक महिला वर्किंग है और उसका हस्बैंड भी वर्किंग है तो सिर्फ एक आ, नाम की इक्वालिटी होती है वो किसकी फाइनेंशियली आपका जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए या मैं यूँ कहूँ कि अगर वाइफ का ज़्यादा भी है तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी दोनों की इक्वल नहीं है Uh, जो फ्रीडम है कभी दोनों की इक्वल नहीं है जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चे को संभालना है वो कभी दोनों की इक्वल नहीं है नेवर वेदर आप कितना ही कम आन कर रहे हैं कितना ही ज़्यादा आन कर रहे हैं केवल एक ही इक्वालिटी है दैट इज फाइनेंशियली आप पार्टनर्स हैं है ना क्या बात करती जा कही जाती है कि और ऐसे में दिव्या गुप्ता का वो पोयम याद आता है कि अगर मैं दूध की बोतल बना रही हूँ तो तुम कपड़े नहला दो ना उसे नहला जी जी बिल्कुल लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ एक कड़वी से सच्चाई है लेडीज अक्सर दूसरी लेडीज को कहती हैं हाउ लकी यू आर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बच्चे को नहला देते हैं मीन्स ऐसा लगता है कि केवल उस लेडी का बच्चा है कभी किसी महिला से नहीं कहा जाता चाहे वो कितनी वर्किंग हो चाहे हस्बैंड कम कमा रहा हो कभी नहीं कहा जाता एक हस्बैंड से हाउ लकी यू आर कि तुम्हारी जो वाइफ है घर भी संभाल रही है बच्चा भी संभाल रही है नेवर तो ये चेंज जो यहाँ से है मुझे नहीं पता कितने जन्मों कितनी पीढ़ियों के बाद आएगा या शायद कभी आएगा भी या नहीं सॉरी फॉर बींग सो नेगेटिव बट इट्स रियालिटी हार्श रियालिटी ऑफ लाइफ प्लीज फर्स्ट आप बताइए आप किस तरीके से स्थिति देखती हैं वुमेंस की फिलहाल नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम ऐसी बातें करते हैं नारी शक्ति को लेकर नारी शक्ति को बढ़ावा देते हैं क्या वैसी स्थिति आप देखती हैं और क्या लगता है कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव होने चाहिए हाँ बदलाव होने चाहिए जैसे कि अभी सब जगह पर महिला थाना जैसा करवा दिया है लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि हम कॉल भी करते हैं ना तो मतलब वन आवर तक कोई कॉल नहीं लगती है तो कॉल क्या आपके साथ ऐसी स्थिति हाँ हुई हुआ है।, है एक बार बहुत हुआ था मतलब नाइट में मैं जा रही थी तो कैब वाले ने कोई बदतमीजी की थी मेरे साथ मैंने कॉल की पुलिस को लेकिन कॉल नहीं लगी मैं वन आवर तक मैं परेशान होती थी वहाँ पर खड़ी खड़ी लेकिन कोई कॉल नहीं लगी तो ये चेंजेस होने चाहिए तो आपने उस स्थिति को कैसे आगे संभाला कैसे हाँ, आपने मैंने मेरे घर पे भी बहुत कॉल किया उस टाइम पे तो नाइट थोड़ा नाइट हो गया था ज़्यादा और मैं कैब से घर जा रही थी तो कोई किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया ना पुलिस का ना किसी और का तो सडन भाई का आप तो, तो 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 भी होंगे आप भी देखते होंगी कपड़ों को लेकर भी लोग बहुत जज करते हैं जब भी अगर आप कट स्लीव पहन लो या फिर आप कुछ ऐसे छोटे कपड़े पहन लो तो लोग दूर से ही घूर कर देखते हैं तो क्या लगता है इसमें बदलाव होने चाहिए या नहीं बिल्कुल बदलाव क्या अगर आपने सबसे पहले आप कहाँ से आती हैं आप तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र है हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ऐसे कट स्ली पहन के चली जाती हैं या फिर अगर आप स्लीवलेस पहने गलत नज़रों से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कुछ और ही होता है माइंड सेट उनका ये होता है कि उनका ये नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या है इस क्राउन की वैल्यू हाँ। उनको नहीं पता है उनके लिए बस ड्रेस मैटर करती है कि उसने पहना क्या है ठीक है और क्या लगता है कि हमारे देश में और ऐसे कौन से नए बदलाव होने चाहिए जिससे वाकई में हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ अगर कानून स्तर पर देख ले देख ले या फिर प्रदेश स्तर पर देख ले या फिर राष्ट्रीय स्तर पर आ, जैसे पहले क्या होता था गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था उनकी पढ़ाई रोक दी जाती थी और छोटा हुँ. अगर भाई है या बड़ा भाई है तो उसको कंटिन्यू उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाता था और गर्ल्स को अंदर एकदम कि ठीक है तुम नहीं जाओगे बाहर तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं है तो अभी गर्ल्स को पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना पहले था ट्वेल्थ के बाद गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता ट्वेल्थ के बाद उनको आगे फर्स्ट ईयर तो जाने ही नहीं देगा नहीं दिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च को हम मनाते हैं लेकिन क्या आपको लगता है अगर हम पहले से ही महिलाओं का सम्मान करें या फिर लोग सम्मान करें तो शायद एक ही दिन मनाने की जरूरत नहीं होगी या फिर स्पेसिफिक कोई विमेंस डे नहीं मनाया जाएगा लगता है प्लीज जी बिल्कुल आप सही कह रही है कि केवल हम एक ही दिन Uh, बहुत सारे स्टेटस लगाकर अपनी मदर का अपनी वाइफ का और हम सोचें बदलाव आ जाएगा ये जो चेंज है ये विद इन आना चाहिए अंदर से और हम सोचें कि केवल महिलाएं ये चेंज ले आ पाएंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल ये चेंज चारों तरफ से आना चाहिए अगर जो रिस्पेक्ट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो इक्वालिटी की बात है अगर हार्ट से आएगी ना येस वी आर इक्वल चाहे वो थाट्स में है चाहे वो फ्रीडम में है किसी भी बात में तभी ये बदलाव आएगा और तब मुझे लगता है शायद पुरुषों को ये दिवस मनाने की जरूरत पड़े ठीक है इक्वलिटी की बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेकर लोग कि हम समानता देखते हैं इक्वल देखते हैं हर जगह अब लड़का लड़की या फिर पुरुष महिला सेम क्षेत्र में क्या आपको ऐसा लगता है ऐसी स्थिति है आपके क्षेत्र की, की अगर बात कर ले फिर नहीं मैं अभी गांव से हूँ बीकानेर के पास से तो उधर नहीं होता एक समान, एक समान नहीं रखते लड़का और लड़की को लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया ठीक है आप मॉडलिंग दुनिया में आई वहाँ पर भी आ, मेल होंगे ही ऑब्वियसली तो वहाँ पर किस तरीके से क्या लगा कि मेल को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है या फीमेल को ऐसा लगता है कि लड़कों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं मॉडलिंग में भी हाँ लेकिन अपने घर वालों को देख के हम आगे चले जाते हैं कि हाँ घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट ठीक है शुरुआत तो हमारे घर से होती है हमारे भाई बहन माता पिता हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वहीं पे ही कहीं ना कहीं इक्वलिटी हमें वहीं से सिखा दिया जाता है तो क्या आपके साथ ऐसे शुरुआत तौर पर हुआ कि आपके अगर भाई हो तो उसे ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है उसे ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है क्या ऐसी स्थिति हुई कभी नहीं मैं ही मैं ही एक बड़ी बहन हूँ घर पर तो मेरे को हर तरफ से सपोर्ट किया मेरे फैमिली वाले क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ नो नो नेवर एवर नेवर एवर बहुत ही इक्वालिटी के साथ हमारे परिवार में बच्चों को बड़ा किया जाता है एंड uh, मैं अपने घर की ज़्यादा लाडली हूँ yes. हाँ बेटियाँ अपने पिता की लाडली होती बिल्कुल मैं बहुत लाडली हूँ अपने घर की और बहुत ही इक्वालिटी के साथ हमें बड़ा किया गया आप क्या लगता है आपको कि इस तरीके से आपके साथ हुआ या फिर आप जिस जगह से आती हैं उस जगह में क्या लगता है कि अभी भी भेदभाव किया जाता है हम तीन भाई बहन हैं मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है और मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ हम तीनों एक ही स्कूल से पास आउट हैं और तीनों को ही मेरे ख्याल से इक्वली प्यार मिला है मेरे मम्मी पापा से मैं तो कहूँगी मुझे ज़्यादा मिला है क्योंकि मुझे उन्होंने हर जगह अलाउ किया कि बेटा बस सेफ रहना और आगे जाना खुद की सुरक्षा खुद करना खुद की सुरक्षा खुद रखना किसी भी गलत चीज़ में मत जाना जो भी करना है उससे चाहे हम अभी सपोर्ट कर दें चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले अगर तुम अपने आप को प्रूव कर सकती हो हाँ। तो कोई कुछ भी बोले आगे जाके चुप हो जाएंगे ठीक है आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ आपके घर में अगर सिबलिंग्स हैं तो आपने उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा इक्वलिटी ऐसी कुछ कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ हम फोर सिस्टर्स हैं पापा हम चारों को स्टार्टिंग से बेटी की जैसे ट्रीट करते हैं वो बोलते हैं मेरे पास बेटे बेटिया दोनों है मुझे बेटों की ठीक है आपसे सबसे सवाल किया मैंने आज महाशिवरात्रि भी है महादेव को अर्ध कहा जाता है यानी कि नारी भी उनमें ही है और नर भी उनमें ही है किस तरीके से देखते हैं कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि पर मैंने स्टार्टिंग से मतलब मेरी फैमिली में हम लोगों ने जी Go ahead, please. कोई बात नहीं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल अगर महाशिवरात्रि के बारे में बोलूँ तो लाइक सबको रहता ही है कि फेस्टिवल है फास्ट वास्ट रखते हैं बट मेरी मम्मा बहुत मानती है शिव जी को तो उनका ये रहता है कि मतलब शिव जी कहीं पे भी मतलब तो फ़ोन के अंदर भी उनके वही चलता रहेगा कथा कथावथा देखते रहेंगे तो भाव से भक्ति भाव उनमें बहुत ज़्यादा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आज महाशिवरात्रि भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि दो दो खुशखबरी दो दो बड़े त्यौहार एक साथ आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एंड मैं लाइक शिव जी को बहुत मानती हूँ एंड आई थिंक बिलीव करना गॉड पे बहुत बड़ी बात है पॉजिटिविटी आती है गॉड पे अगर आप बिलीव करते हैं और आज मैं यही मानती हूँ मेरी डेस्टिनी गॉड ने ही लिखी है तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ शिवजी की वजह से एंड सारे गॉड्स एंड आपने पहले एक बात बोली थी पार्शलिटी की या मेरे साथ हुई है पार्शलिटी बी ऑनेस्ट कि मेरे घर पे थोड़ा बहुत लाइक मेल के साथ और फीमेल के साथ थोड़ा होता था लाइक hmm. गर्ल्स like, uh, को फ्रीडम नहीं मिलती थी बहुत कम फ्रीडम मिलती थी बट मेरे फादर एंड मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को रिलेटिव्स ने बोला ये आगे जाके क्या करेगी बट मैं भी इतना आगे बढ़ना चाहती थी कि uh, उन रिलेटिव्स को मतलब लाइक like, और लोगों को बताऊँ कि गर्ल्स भी आगे जा सकते हैं थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देखती है महाशिवरात्रि को आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है आज ही के दिन नर और शक्ति कह सकते हैं उनका मलन हुआ था महादेव और आज ही महिला दिवस भी है सो so, देखिए मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानती हूँ मैं अपने गुरुदेव की भक्त हूँ तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हर इंसान में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती हैं सो so, उस चीज़ का बैलेंस ही हमारे शिव जी हैं हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपनी बॉडी में भी शिव तत्व को महसूस करना चाहिए समटाइम्स क्या होता है मैस्कुलर एनर्जी बहुत हाई होती है एंड समटाइम्स फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई होती है सो वी मस्ट ट्राई टू बैलेंसेज एंड ये जो आज का पर्व है ये बहुत ही स्पेशल पर्व है इफ़ यू मेडिटेट टुडे ऑन दिस डे ऑफ महाशिवरात्रि यू बैलेंस योर चक्रास एंड यू बैलेंस योर Femininity and your masculinity. This is what I बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सनातन धर्म में कहा गया है कि तू ही नर तू ही नारायणी तू ही समर्थ है तू ही समृद्ध है यानी कि नारी के रूप में पूजा जाता है हर एक देवता में आप देखेंगे कई मंदिर में भी है कामाख्या अंगों को पूजा जाता है ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर भगवान नारी के तौर पर मौजूद है उन्हें पूजा जाता है और यही वजह है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज खास महिलाओं से हमने आपका परिचय करवाया है और ये बेहद ही अहम और खास हो जाता है कि महिलाओं का सम्मान हम एक ही दिन नहीं हम हर एक दिन करें और ताकि उसकी वजह से हमें एक ही दिन महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप और हम मिलकर हर एक का सम्मान करेंगे जो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है वो इक्वलिटी सिर्फ शब्दों में ना हो वो हकीकत में दिखे आप समानता के तौर पर देखिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं ये पुरुषों के लिए भी है दोनों में समानता देखी जाए महिलाओं के लिए खासतौर पर यह है कि आप भी उसी इक्वल राइट से महिला पुरुषों को देखें और पुरुषों के लिए भी वही है कि महिलाओं को आप एक ही नजर से देखें क्योंकि हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा जाते जाते एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार